आज हम डिस्कस करेंगे किन कैंडिडेट आपके एग्जाम में। इससे पहले जो हमने एग्जामोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो इसमें हमने दो टॉपिक्स कवर किए थे। एक था इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स क्या होते हैं, तो उसमें ब्रीफली डिस्कस किया था कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल टू स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन अदर इनसाइड द लिविंग बॉडी एंड रिमेन अनचेंज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मीन हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की केमिकल रिएक्शन, मिसाल के तौर पर डाइजेशन होता है, रिस्पायरेशन होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, कैटाबॉलिक होता है, मुख्तलिफ किस्म की केमिकल रिएक्शन होती है। तो जाहिर बात है वो केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाती है, तो एंजाइम उसको क्या करता है, वो इनहेंस मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाता है ताकि वो रिएक्शन कम से कम टाइम में कम्प्लीट हो जाए। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, 90% एंजाइम हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन होते थे, और 95% और 5% हमारे पास राइबोसोम होते थे, आरएनए के लिए। तो आज एंजाइम का बड़ा फिर हमने डिस्कस किया था कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, हमने कहा था कि एंजाइम का हाई स्पेसिफिक इंडियन एक्शन, कि एंजाइम जो है हमारे बारे में मुख्तलिफ किस्म की केमिकल रिएक्शन, मिसाल के तौर पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, एक ग्रुप एक सब्सट्रेट से दूसरे सब्सट्रेट पे ट्रांसफर होता है, या फिर हम बॉन्ड को ब्रेकअप करते हैं, या मतलब सिंगल बॉन्ड से हम डबल बॉन्ड बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की केमिकल रिएक्शन होती है। तो एंजाइम हमारे पास क्या होता है, उसके लिए खास एक स्पेसिफिक सब्सट्रेट होता है। तो सब्सट्रेट हमने डिस्कस किया था कि वो मॉलिक्यूल जिस पे एंजाइम क्या करता है, एक्शन करता है, और हर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सब्सट्रेट होता है, और सिमिलरली स्पेसिफिक सब्सट्रेट के लिए एक खास एंजाइम होता है। ठीक है, सो तो हमने स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम की, एंजाइम की केमिकल नेचर क्या है। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट के मोस्ट ऑफ द एंजाइम, हमने डिस्कस किया था ना कि हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो हमारे पास, मोस्ट ऑफ द एंजाइम है हमारे पास 95% वो क्या होते हैं स्टूडेंट, वो होते प्रोटीन इन नेचर। क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर, व्हाइल 5% आर राइबोसोम, 5% आर राइबोसोम हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट, आरएनए इन नेचर होता है, 5% हमारे पास क्या होते हैं, आरएनए इन नेचर। तो आर डिजाइन करना प्रोटीन इन नेचर। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास जो केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम है, एंजाइम तो हमारे पास प्रोटीन है, लेकिन हमारे पास जो एंजाइम है ये फिर फंक्शनल नहीं होते, मतलब इसके साथ हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड मीन नॉन प्रोटीन पार्ट अपने हम इसके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे ताकि टू मेक द एंजाइम्स फंक्शनल। जिस तरह हमने कहा था देखो ना, एक होता है आपके पास एपो एंजाइम, एपो एंजाइम, सो एपो एंजाइम क्या होता है स्टूडेंट, इट इज प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम मींस के एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एंजाइम क्या है इन नेचर, प्रोटीन इन नेचर ना। फिर इसके पास क्या होता है स्टूडेंट, कोफैक्टर होता है, क्या होता है कोफैक्टर, और कोफैक्टर क्या होता है स्टूडेंट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, इट इज द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, मींस के नॉन प्रोटीन पार्ट, मैं हमने कहा था कि एपो एंजाइम क्या होता है, वो प्रोटीन पार्ट होता है, एंजाइम का व्हाट इन नेचर, प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, लेकिन हमने कहा था कि एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेंगे जब तक इसके साथ हम कोई नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच ना करें। ठीक है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं, वो मेटल आयंस भी हो सकता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, इसको आप हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक होता है होलो एंजाइम, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम, अब होलो एंजाइम क्या होता है स्टूडेंट, इट इज द कंप्लीट, इट इज द कंप्लीट एंड फंक्शनल, मतलब कि हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास क्या होता है, इट इज द कंप्लीट एंड फंक्शनल, फंक्शनल पार्ट ऑफ एंजाइम, मीन कि हमारे पास द कंप्लीट एंड फंक्शनल पार्ट इसका होलो एंजाइम। कि हमारे पास कौन, देखो हमारे पास एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, व्हेन
एको एंजाइम प्लस कोफैक्टर कंबाइंड इट फॉर्म होलो होलो एंजाइम इसको क्या कहते हैं होलो एंजाइम और होलो एंजाइम इज द कंप्लीट एंजाइम इट इज द कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम कि हमारे पास जो होलो एंजाइम ये कंप्लीट होता है और ये फंक्शनल एंजाइम होता है फंक्शनल कि आपके पास अगर एको एंजाइम है तो वो फंक्शनल नहीं है एंजाइम्स क्या होते हैं प्रोटीन इन नेचर होते हैं ना मोस्ट मैग्नीफाइड परसेंट कोफैक्टर कि जब इसके साथ हम मेटल आयंस या इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके साथ अटैच ना करें तो एंजाइम फंक्शनल नहीं होगा तो नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं कोफैक्टर कहते हैं और नेक्स्ट क्या होते हैं होलो एंजाइम कि जब प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों को हम क्या करते हैं कंबाइन करते हैं हमारे पास क्या बनता है होलो एंजाइम दस होता है कौन सा एंजाइम होता है होलो एंजाइम होलो एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है इट इज द कंप्लीट एंजाइम इन फंक्शनल एंजाइम ये फंक्शनल एंजाइम होता है मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ठीक है शुरू हमारे पास एक रिएक्शन होता है आरबीसी में हमारे पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ वाटर रिएक्शन करता है तो ये हमारे पास क्या बनता है शुरू एच वो रेंज करता है 7.35 टू 7.4 के मतलब 7.35 से लेकर 7.4 तक ब्लड पीएच क्या करता है शॉर्ट रेंज करता है अब अगर एसिड ज्यादा ऐड हो जाए तो 7.35 से कम होगा अगर बेस ऐड हो जाए तो 7.4 से ज्यादा होगा तो ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए तो अब सुन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एसिडिक गैस है ये ब्लड पीएच को 7.35 से 7 तक लाता है मतलब एसिडिक की तरफ बढ़ाता है ठीक है शॉर्ट जाहिर बात है फिर आपके पास एंजाइम डीनेम हो रहे क्या हो जाएंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और डेथ अल्टीमेटली डेथ का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो हमने क्या करना है स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होता है स्टूडेंट उसको हमने मेंटेन करना है ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए अगर कम होगा तो एसिडिटी काज होगा अगर सॉरी अगर ज्यादा होगा तो क्या काज होगा एसिडिटी काज होगा लेकिन अगर कम होगा अल्कलोसिस का मीन मेंटेन कर रहा है और कौन रिस्पांसिबल है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन कर रहा है वो लंग्स का वो जब हम इंशाल्लाह बबर एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे तो हमारे पास जो ब्लड पीएच मेंटेन हो रहा है ना सो ब्लड के इसके लिए थ्री मैकेनिज्म वी हैव थ्री मैकेनिज्म द फर्स्ट वन इज बबर सॉल्यूशन हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था बबर सॉल्यूशन कि वो सॉल्यूशन जो पीएच को क्या करता है मेंटेन करता है ठीक है दूसरा द रोल ऑफ किडनी और तीसरा द रोल ऑफ लंग क्योंकि लंग्स क्या रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड इनका ही जरूरी है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह प्रोड्यूस होता है इस तरह मैंने कहा था कि हमारे बॉडी में क्या होता है क्रिप्स साइकिल मतलब ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है क्रिप्स साइकिल होता है और क्या होता है हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशन होती है ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज इसके साथ क्या कंबाइन होगा ऑक्सीजन आपके पास क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस क्या रिलीज होगा एनर्जी रिलीज होगा तो स्टूडेंट ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी प्रोसेस हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज से स्टूडेंट याद रखना है हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन ग्लूकोज स्टूडेंट याद रखना है किस एक ग्लूकोज में कितने कार्बन है 6 कार्बन है हर कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड सो फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टूडेंट याद रखना है फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस 6 कार्बन डाइऑक्साइड तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कहां पे पहुंचाना है स्टूडेंट लंग्स तक पहुंचाना है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से क्या करे रिमूव करे एक्सपायरेशन तो ये फिर इंशाल्लाह बाद में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजन की ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड बजाते खुद लंग्स तक इस तरह नहीं पहुंच सकता जिस तरह डिसॉल्व फॉर्म में होता है तो जाहिर बात है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए किसके साथ रिएक्शन करेगा स्टूडेंट वाटर के साथ क्या बनेगा कार्बनिक एसिड
और बाइकार्बोनेट फॉर्म में फिर 70% 75% बाइकार्बोनेट फॉर्म ही लंग्स तक हम पहुंचाते हैं, फिर वहां से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और बॉडी से फिर वो एनालिसिस डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब दिस रिएक्शन अगर इन आरबीसी रेड ब्लड सेल, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, वो आरबीसी को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कंबाइन होगा, वाटर कंबाइन होगा। तो अब इसके लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है स्टोन, उसको हम कहते हैं कार्बोनिक इनहाइड्रेस। क्या कहते हैं स्टोन, कार्बोनिक इनहाइड्रेस। और इसके लिए जो को फैक्टर होता है वो क्या होता है स्टोन, जिंक। तो अब कार्बोनिक इनहाइड्रेस क्या है, एक एंजाइम है ना, जिंक क्या है, को फैक्टर है। तो जब कार्बोनिक इनहाइड्रेस किसके साथ कंबाइन होता है, जिंक के साथ, तो आपके पास क्या बनता है, होलो एंजाइम। So it's mean that for every enzymatic reaction, we need two things. हमारे पास कितनी चीजें चाहिए, दो चीजें। The first one is the main or key enzyme. क्या चाहिए इसको हमें, main enzyme या key enzyme? और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए इसको, cofactor। हमारे पास क्या होना चाहिए, cofactor। इन दोनों के अलावा, अब देखो यहाँ पे cofactor क्या है इसको, आपके पास को फैक्टर क्या है बता देंगे, यहां पे क्या है को फैक्टर, जिंक। इन द अबव रिएक्शन को फैक्टर हमारे पास क्या है स्टोन, वो हमारे पास क्या है, जिंक। क्या है, जिंक। और मेन एंजाइम क्या है स्टोन आपके पास, कार्बोनिक इनहाइड्रेस। इसका मतलब स्टोन के कार्बोनिक इनहाइड्रेस अगर हमारे पास इस रिएक्शन में जिंक नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ को फैक्टर जिंक, अब अगर इस रिएक्शन में जिंक नहीं होगा स्टोन, तो ये कार्बोनिक इनहाइड्रेस किस रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे, नहीं करेंगे, तो हमारे पास रिएक्शन कैटलाइज नहीं होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इट्स मीन दैट फॉर एवरी एंजाइमेटिक रिएक्शन, फॉर एवरी रिएक्शन वी नीड सो मेनी थिंग्स, टू थिंग्स, द फर्स्ट वन इज द मेन एंजाइम और की एंजाइम, सेकंड वन इज कोफैक्टर। मीन कि इस जिंक कोफैक्टर के अलावा कार्बोनिक इनहाइड्रेस इस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब आज स्टोन इस कोफैक्टर को हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टोन, अब ये कोफैक्टर नहीं है, हमारे पास पे दो किस्म की हो सकते हैं, एक हमारे पास होते हैं मेटल आयंस, मेटल आयंस, या हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं स्टोन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक हमारे पास होते हैं स्टोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। जिस तरह हमारे पास क्या होते हैं, को एंजाइम, क्या होते हैं स्टोन, को एंजाइम, कोएंजाइम्स क्या होते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो याद रखते हैं, कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स, सो याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, या किस तरह के एमसीक्यूज में आता है कि कोएंजाइम अपॉन एक इज, या विटामिन अपॉन एक इज अ कोएंजाइम, तो विटामिन्स आपके पास किसका रोल प्ले कर रहे हैं, कोएंजाइम्स, क्या कर रहे हैं, कोएंजाइम। ठीक है, तो हमारे पास जो कोएंजाइम है वो क्या है स्टोन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये किस चीज से डिराइव है, विटामिन से। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो मेटल आयन होते हैं स्टोन, जिस तरह हमारे पास जिंक होता है, हमारे पास मैग्नीशियम होता है, एटसेट्रा, ये मेटल आयन्स है ना, मेटल आयन्स है, आयन्स है ना, मेटल्स है ना। ठीक है, अच्छा एक दो बात और याद रखना स्टोन, एक हमारे पास होता है कोएंजाइम, एक हमारे पास होता है प्रोस्टेटिक। अब स्टोन याद रखना है, प्रोस्टेटिक ग्रुप, प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होता है स्टोन, व्हिच इज परमानेंटली अटैच्ड विद एंजाइम, ये हमारे पास क्या करता है स्टोन, दिस पार्ट इज परमानेंटली अटैच्ड टू द एंजाइम, ये हमारे पास क्या होता है स्टोन, परमानेंटली अटैच होता है एंजाइम के साथ, क्या होता है, परमानेंटली अटैच होता है। एक हमारे पास होता है कोएंजाइम, इसको जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कोएंजाइम होता है स्टोन, याद रखते हैं कोएंजाइम्स आर लूजली अटैच, आर लूजली अटैच टू द एंजाइम। अभी मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं स्टोन, याद रखना है ये कोएंजाइम लूजली अटैच करता है एंजाइम के साथ, और जब ये अपना फंक्शन कंप्लीट करता है, कौन फंक्शन कंप्लीट करता है, कोएंजाइम, तो फिर ये एंजाइम से क्या होता है, डिटैच, क्या होता है, डिटैच होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखिए ये हमारे पास एक एंजाइम है स्टोन,
इस फॉर्म कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। क्या कहते हैं किस एंजाइम का नाम क्या इसको? डीएनए पॉलीमरेज। क्या है इसको? डीएनए पॉलीमरेज। अब यहां पे कौन सा चार्ज है इस एंजाइम का इसको? नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए या फिर इसके साथ हम कौन सा पॉजिटिव ग्रुप लगाते हैं? मैग्नीशियम। कौन सा लगाते हैं स्ट्रांग मैग्नीशियम? कौन सा लगाते हैं? मैग्नीशियम। अब स्ट्रांग याद रखना है कि हमारे पास जो ये मैग्नीशियम मिडिल आयन होता है पॉजिटिव ग्रुप, ये किस एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच होगा? इस एंजाइम के साथ क्या होगा स्ट्रांग? परमानेंटली अटैच होगा, मतलब ये हमेशा के लिए अटैच होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब देखो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपके हमारे पास मेटल आयन कौन सा? मैग्नीशियम है। यहां पे प्लस है और यहां पे क्या है? माइनस है। तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब इन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन होगा जो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? बैलेंस करेगा, मतलब इसको स्टेबलाइज करेगा। तो अब यहां पे जो मैग्नीशियम आयन है इसको ये परमानेंटली अटैच होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये एंजाइम के साथ क्या होगा? परमानेंटली अटैच होगा, लूजली अटैच नहीं होगा। तो इस जो परमानेंटली अटैच होगा उसको क्या कहते हैं? प्रोस्टेटिव ग्रुप। और जो लूजली अटैच होता है मीन के मतलब जाहिर बात इसको याद रखना है कि आपके पास जो प्रोस्टेटिव ग्रुप होता है मेटल आयन या आपके पास कोई एंजाइम होता है, इनका काम ये है कि ये एंजाइम के फंक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है ना, हेल्प करता है। लेकिन जो हमारे पास प्रोस्टेटिव ग्रुप होता है ये हेल्प करता है परमानेंटली अटैच, ये परमानेंटली अटैच होगा तब हेल्प करेगा। और जो ये कोएंजाइम है ये लूजली अटैच होता है। इसका मतलब है लूजली अटैच का कि जब ये अपना काम कंप्लीट कर रहा है, मीन जब ये एंजाइम को अपना काम करने में हेल्प कर रहा है, जब वो एंजाइम कंप्लीट करता है तो फिर ये कोएंजाइम क्या होता है? एंजाइम से क्या होते हैं? डिटैच। समझ आ रहा है? yes. अब मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ, ठीक है? एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखिए सुनो, हमारे पास एक रिएक्शन है। आप देखिए गौर से देखिए, ठीक है? सुनो सर, सुनो सर, सत्रह। अच्छा, अब हमारे पास एक रिएक्शन है, इसको जरा देखिए। हमारे पास पाइरूवेट है, इस पाइरूवेट के साथ क्या कंबाइन होगा? NADH2। और हमारे पास क्या बनेगा बच्चों? हमारे पास बनेगा लैक्टिक लैक्टिक एसिड। और ये NADH2 किस पे कन्वर्ट होगा? NAD1। ये रिएक्शन है, ठीक है स्टूडेंट? अब आपके पास पाइरूवेट है, ठीक है? और इसके लिए जो हमारे पास मेन एंजाइम होता है वो क्या होता है? लैक्टेट डीहाइड्रोजनेस। क्या होता है स्टूडेंट? लैक्टेट डीहाइड्रोजनेस। क्या होता है स्टूडेंट? लैक्टेट डीहाइड्रोजनेस। ये एक एंजाइम है, ठीक है? अब इसके पास को ये एनर्जी इशू क्या है हमारे पास स्टूडेंट? को एंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NADH2। ये हमारे पास क्या है? कोएंजाइम है। ये NADH2 किसके साथ अटैच होता है? देखो ना, देखो ये हमारे पास एक एंजाइम है। इस एंजाइम को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है स्टूडेंट? अब लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज हमारे पास मेन एंजाइम है, NADH2 हमारे पास क्या है? कोएंजाइम है। अब लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज का काम क्या है कि ये पाइरूवेट को किस में कन्वर्ट करता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है? तो ये NADH2 कोएंजाइम इस एंजाइम के फंक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। अब सुन क्या करता है? NADH2 से अब लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है? NADH2 से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? NADH2 से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर करता है? पाइरूवेट में। और पाइरूवेट से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और NADH2 किस में कन्वर्ट होता है? NAD पॉजिटिव में। तो इसने हाइड्रोजन ट्रांसफर कर दिया ना, हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया। जब हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया किस में? किसको? पाइरूवेट को। पाइरूवेट किस में कन्वर्ट हो गया? लैक्टिक एसिड में। तो कोएंजाइम का काम क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अब ये NAD पॉजिटिव किस से डिटेच होगा? लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज के साथ जो कोएंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? लूजली अटैच होते हैं। लेकिन प्रोस्टेटिव ग्रुप क्या होगा स्टूडेंट?
वो परमानेंटली अटैच होगा। अब सुनिए आगे देखो, यहां पे दो सबस्ट्रेट थे, एक सबस्ट्रेट आपके पास क्या है स्टूडेंट, पाइरूवेट, क्या है पाइरूवेट, और ये क्या है आपके पास NADH। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास एंजाइम्स में वो रीजन, द रीजन वेयर सबस्ट्रेट इज बाइंड टू द एंजाइम, उस रीजन को क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। ये बात हम पहले इसकी वीडियो बनाएंगे। एक्टिव साइट क्या होता है, कि वो साइट जहां पे क्या होता है एंजाइम के साथ कौन बाइंड करता है, सबस्ट्रेट, कौन बाइंड करता है सबस्ट्रेट। तो यहां पे कितने सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे हैं, तो एक को क्या कहते हैं एनएडीएच, और दूसरा क्या है पाइरूवेट। तो अब क्या होता है स्टूडेंट यहां पे, कि आपके पास पाइरूवेट है और यहां पे इसके साथ को एंजाइम कौन सा है एनएडीएच2, और मेन एंजाइम कौन सा है लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज, को एंजाइम कौन सा है एनएडीएच2। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हमारे पास जो लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज है ये एनएडीएच2 से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, किसमें पाइरूवेट में, और पाइरूवेट किस में कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड, और प्लस NADH2 ये किस में कन्वर्ट होगा, जब इससे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो सिर्फ पॉजिटिव रह जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा आपके पास NAD पॉजिटिव। तो अब ये NADH2 ये NAD पॉजिटिव के फॉर्म में लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज से क्या होगा डीटीएच2, समझ रहे हैं। मैं बार-बार कह रहा हूं कि हमारे पास जो मेन एंजाइम होता है इसके पास हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, और उसको क्या कहते हैं कोफैक्टर, द नॉन प्रोटीन पार्ट, कि मतलब प्रोटीन पार्ट के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होना चाहिए ताकि वो मेक एंजाइम फंक्शनल। तो मैंने दो बात इसलिए कही कि भाई एक हमारे पास एंजाइम के साथ एक ग्रुप अटैच होगा जो परमानेंटली अटैच होगा, वो क्या होगा, और उसको हमने क्या कहा प्रोस्टेटिक, जिस तरह मैंने कहा डीएनए पॉलीमर इसके कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, इसके साथ हम क्या अटैच करते हैं इग्निशन, तो Mg+2 ये इसके साथ परमानेंटली अटैच है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को क्या करता है स्टेबलाइज, ये परमानेंटली होगा। मैं अब यहां पे कह रहा हूं कि हमारे पास जो कोएंजाइम होते हैं, कोएंजाइम किससे डिराइव होते हैं विटामिन से, और विटामिन अफान एक्ट इज अ कोएंजाइम, मैंने कहा कि कोएंजाइम एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच होगी या लूजली अटैच होगी, और जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास अब देखो एंजाइम की मेन साइट कौन सा होता है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट, अब यहां पे कितने सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे हैं दो, एक क्या है हमारे पास पाइरूवेट, दूसरा क्या है और एक इससे रिड्यूस को हम क्या कहते हैं कोएंजाइम, यहां पे मेन एंजाइम कौन सा है लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज, लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज क्या करता है एनएडीएच2 से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है रिमूव करता है, और कौन लेता है उसको पाइरूवेट, तो पाइरूवेट किस में कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, तो अब लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज ने पाइरूवेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगर एनएडीएच2 ना होता तो ये एंजाइम पाइरूवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता था, नहीं कन्वर्ट कर सकता, ये भी आपको ध्यान रखना कि कोएंजाइम का काम क्या है कोफैक्टर का नॉन प्रोटीन पार्ट का, कि वो एंजाइम के फंक्शन में क्या करता है उसको हेल्प करता है, बार-बार मैं कह रहा हूं ठीक है, लेकिन मैं बार-बार कह रहा हूं कि कोएंजाइम लूजली अटैच होता है, अब ये NADH2 जब किसमें कन्वर्ट होता है NAD+, ये काम हो गया इसका ना, इस यहां से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए किसमें विद द हेल्प ऑफ व्हिच एंजाइम तो ये अब ये को एंजाइम कौन से फॉर्म में एंजाइम से अटैच होगा NAD पॉजिटिव में, अब ये NAD पॉजिटिव के साथ फिर दोबारा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा कि किसमें कन्वर्ट होगा NAD H2, दोबारा ये यहां पे कन्वर्ट अटैच होगा NAD H2, दोबारा ये किस पे कन्वर्ट होगा तो NAD प्लस फॉर्म में फिर क्या होता है ये रिमूव, समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये समझ रहे हैं कि केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, कि केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम क्या है, मोस्ट ऑफ एंजाइम 95% आर व्हाट इन नेचर प्रोटीन इन नेचर, 5% एंजाइम क्या है राइबोसोम है एडेनिन इन नेचर है, मैंने कहा कि एक कोएंजाइम होता है एक कोफैक्टर होता है एक होलो कार्बनिक इनहेरिटेंस, लेकिन कार्बनिक इनहेरिटेंस जिंक के बगैर इस रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है,
फिर पीएच मेंटेन होगा नहीं होगा, समझ आ रहे हैं? यस। तो जिंक किसके लिए वो फैक्टर जरूरी है। फिर मैंने कहा कि एक बेटर आयंस होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक क्या होते हैं कोएंजाइम्स। बेटर आयन पोस्टेड ग्रुप एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच होता है और अटैच का कंपाउंड कोएंजाइम्स क्या होता है लूज भी अटैच होता है। फिर मैंने कहा कि विटामिंस अपॉन एक इज अ कोएंजाइम एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। फिर मैंने कहा पोस्टेड ग्रुप परमानेंटली अटैच होता है जिस तरह डीएनए पॉलीमरेज है नेगेटिव चार्ज पे, इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम कौन सा कोफैक्टर है एडहेशन। फिर मैंने कहा कि लिपिड भी हाइड्रोजनस के साथ को एंजाइम हमारे पास क्या होता है NADH2, इससे हाइड्रोजन को लिपिड को रिमूव ट्रांसफर करते हैं लिपिड एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर ये NADH2 ना होता तो पायरुवेट लिपिड एसिड में कन्वर्ट होता तो ये एंजाइम अपना फंक्शन कर लेता, तो NADH2 के बगैर ये अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि होलो एंजाइम इज द कंप्लीट ए फंक्शन एंजाइम। ओके, दिस इज फॉर द रेंज अलग अलग नेक्स्ट टॉपिक।